डॉग्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर किडनी प्रॉब्लम्स कई रीजंस हो सकते हैं, कई टाइप्स से हो सकती हैं। जैसे कि अलग अलग टाइप हो सकते हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमन देखें किडनी स्टोन्स जो ह्यूमन बींग्स में भी होते हैं, रिनल कैल्क्युलाई जिसे हम बोलते हैं, एज वेल एज आप देख सकते हैं नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, स्पाइरोनेफ्राइटिस एंड यूरिनरी ट्रैक्ट में ट्यूमर के केसेस भी देखें। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या फिर किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये हम पता कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आपका डॉग जो है वो डिहाइड्रेशन हो गया है, उसे पानी बहुत वाटर इनटेक कम हो गया है, या फिर वाटर इनटेक है फिर भी डिहाइड्रेशन है उसे, या फिर वो लिथार्जी हो गया है, बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, लेजी हो गया है। प्लस आप उसके यूरिन को देख सकते हैं, यूरिन का कलर अगर डार्क येलो कलर में कन्वर्ट हो चुका है, प्लस उसे यूरिन पास करने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप देखें तो ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन जिसे हम बोल सकते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर यूरिनेट कर रहा है वो, तो भी हम किडनी प्रॉब्लम्स को जो है डॉग में यूरिन इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन है या फिर उसकी किडनी में प्रॉब्लम है, तो एक चीज और हम देखेंगे कि जो भी ब्लड है उससे जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है वो फिल्टर प्रॉपर नहीं हो पाएंगे। जैसे कि यूरिया, मैमल्स का जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिया होता है, और यूरिया जब किडनी के थ्रू एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा तो उसकी कंसेंट्रेशन धीरे धीरे ब्लड में इंक्रीज होने लगेगी, और ब्लड में जब इंक्रीज होगी उसकी कंसेंट्रेशन तो ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। तो उसका सबसे पहला आप साइन क्या देख सकते हैं, उसकी जो ब्रीथिंग होती है, उसके जो माउथ है वहां से एक यूरिन लाइक यूरिया लाइक ऑर्डर, स्पेसिफिक ऑर्डर आने लग जाएगी, स्मेल आने लगेगी उसके माउथ से। प्लस उसके जो गम्स हैं या फिर जो ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां पर आपको अल्सर्स दिखाई देंगे, छाले पड़ जाएंगे, और वहां उसको प्रॉब्लम होगी फूड को च्यू करने में या फिर पानी पीने में, वाटर इनटेक करने में। इस वजह से धीरे धीरे सलाइवेशन होने लगेगा फ्रोथी कंडीशन में। दो डायग्नोसिस के जो मेथड है उन पर जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड एग्जामिनेशन, देन यूरिन एग्जामिनेशन, यूरिन एनालिसिस जिसे हम बोलते हैं। ब्लड एग्जामिनेशन में आप दो एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, एक तो सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, प्लस आप सीरम एनालिसिस या प्लाज्मा एनालिसिस में जा सकते हैं। सीबीसी में आप देख सकते हैं अगर उसकी बॉडी में इंफेक्शन है तो न्यूट्रोफिल्स का अमाउंट इंक्रीज है कि नहीं, या फिर ल्यूकोसाइट्स जो प्रॉपर हम देखें जो WBCs हैं उनका अमाउंट अबनॉर्मली इंक्रीज हुआ हमें मिल जाएगा। सीरम एनालिसिस में आप जो है ब्लड यूरिया लेवल जो है उसको हम एग्जामिन कर सकते हैं। जैसे कि जो आज मैं आपसे केस यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ वो एक 1 ईयर ओल्ड लैब्राडोर, मेल लैब्राडोर का केस है जिसमें क्रॉनिक इन्फेक्शन था यूरिनरी ट्रैक्ट में किडनी, तो उसमें हमने देखा कि ब्लड यूरिया लेवल काफी इंक्रीज था, अराउंड 61 जो है मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड था, और जो कि हम देखते हैं कि डॉग्स में जो यूरिया की जो नॉर्मल रेंज रहती है वो 8 to 26 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहती है, जो कि इसकी नॉर्मल रेंज से अराउंड डबल डबल से भी ज्यादा था। फ्रॉम ब्लड यूरिया लेवल देर आर सम अदर टेस्ट और अदर मेजर्स लाइक क्रिएटिनिन लेवल एज वेल एज यू कैन से दी SGPT, SGOT, बट SGPT, SGOT आर मेनली स्पेसिफिक फॉर लीवर फंक्शन टेस्ट, बट फिर भी किडनी फंक्शन टेस्ट के साथ साथ हम लीवर फंक्शन टेस्ट भी करवा लें तो बेटर रहता है, तो हमें दोनों सिस्टम्स की प्रॉब्लम पता लग जाएगी, दोनों ऑर्गन्स की प्रॉब्लम पता लग जाएगी। यूरिन एनालिसिस से भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमें कुछ रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जैसे कि यूरिन एनालिसिस में हम दो चीजों पर जा सकते हैं, एक तो उसकी फिजिकल एनालिसिस, फिजिकल अपियरेंस जो है यूरिन की वो हम देख सकते हैं, उसका कलर क्या है, उसकी कंसिस्टेंसी क्या है या उसका अमाउंट कितना है। प्लस आप केमिकल एनालिसिस में जाए तो नॉर्मल कंडीशन में हमें यूरिन में एल्ब्यूमिन या फिर RBC और यहाँ तक ग्लूकोज हमें नहीं मिलता है, बट अगर एबनॉर्मल है, किडनी फंक्शंस प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें अमाउंट जो है एल्ब्यूमिन जो है कुछ ट्रेस अमाउंट में या फिर ज्यादा अमाउंट में मिल सकता है, या फिर हम उसमें RBC देख सकते हैं यूरिन में जिसे हिमेचूरिया कहते हैं। RBC मिलने का मेन रीजन ये है कि उसमें अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं इंजरी है तो वहां से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, प्लस ल्यूकोसाइट अमाउंट भी हमें यूरिन में ज्यादा मिलने लग जाएगा अगर उसकी यूरिनरी ट्रैक्ट में। ब्लड एग्जामिनेशन और यूरिन एनालिसिस के अलावा भी आप कुछ अदर टेस्ट में जा सकते हैं, जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी में, तो अल्ट्रासोनोग्राफी एंड एक्सरे, एक्सरे प्रॉपर आप देख सकते हैं कि किडनी स्टोन के लिए जो है डायग्नोसिस के लिए बेटर रहता है,
अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो किडनी स्टोन प्लस अगर किडनी का एनलार्जमेंट है या फिर उसमें कोई अदर प्रॉब्लम है तो उसका पता लगाने के लिए भी, रूल आउट करने के लिए भी यूएसजी पर आप जा सकते हैं। 1 year old Labrador male suffered from kidney infection. Symptoms were dehydration, painful urination, dark yellow colored urine, and ulcers in oral mucous membrane.